भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक के द्वारा भीलवाड़ा को हरियाली युक्त करने के उद्देश्य से 20,000 निःशुल्क पौधे वितरण अभियान के तहत अब तक 8,500 पौधों का वितरण किया जा चुका है। पौधा वितरण अभियान के तीसरे दिन समाज सेवी विश्वेश्वर तिवाड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में रश्मि सिसोदिया, मंजू सुथार, कैलाश कगरानी, रामपाल हिंगर, शिव नारायण राणी, ताताराम वर्मा सहित सैकड़ों लोगों व विद्यालयों के लिए शिक्षकों को पौधे वितरित किए। इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि पौधे प्राप्त करने वालों को पौधा लगाने की विधि व कौन सी प्रजाति का पौधा कहां लगाए इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इंटेक पदाधिकारी चंद्रलाल जोशी, ओम सोनी व दिलीप गोयल के द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह स्वरूप मनी प्लांट लगा गमला भेंट किया गया। पौधा वितरण प्रभारी कुमार सिंह पिपाड़ा, मुकेश अजमेरा व सुरेश सुराना ने आमजन से प्रतिदिन प्रातः 8 से 10 बजे तक हनुमान कॉलोनी स्थित प्रगति विहार से निःशुल्क पौधे प्राप्त कर शहर को हरियाली युक्त बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि धार्मिक व शमशान स्थलों के लिए 25 प्रजातियों के साथ साथ पीपल व बरगद के पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। पौधों का वितरण बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर चारों तरफ इंडस्ट्री लगी हुई है, वर्षा का अभाव हो रहा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर पौधे नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो पौधे लगाने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं हर साल, या पहले भी कई जगह कई संस्थाओं ने दिए हैं, उन सब में ये आवश्यक है कि उन सब पैसों को, पौधों को जो आदमी ले जाते हैं यहाँ पर, वो उनका बराबर रक्षण करे। 2-3 साल तक, जब तक पौधे स्वयं पानी लेने के लायक नहीं हो जाए, तब तक उनका रक्षण करे, तभी जा करके ये पौधों की समस्या और वर्षा की समस्या दूर हो सकती है। बड़ा शहर सहित जिले भर को हरा भरा बनाने के लिए उद्देश्य से और धरती को हरियाली से ओतप्रोत करने के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक्ट द्वारा इस बार करीब 20,000 पौधे निःशुल्क वितरण का अभियान शुरू किया है। इसके जो संयोजक हैं बाबूलाल जी जाजू साहब, इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार और किन किन पौधों के माध्यम से इस मिशन को शुरू किया है और आगे की क्या क्या आपकी योजना है इस बार। जी सर, वैसे तो पिछले 15-17 सालों से निःशुल्क पौध वितरण इस प्रकृति विहार में करते आए हैं। पिछले 5 साल से संगम उद्योग समूह ट्री गार्ड और पौधों का निःशुल्क वितरण कर रहा है। उसमें भी पीपल फॉर एनिमल की टीम और भारतीय सांस्कृतिक निधि की टीम ही काम करती है। इस बार चूंकि कोरोना महामारी के कारण संगम का पौध वितरण नहीं हो रहा है, ऐसे में इंटेक संस्था पौध वितरण का कार्यक्रम हाथ में लिया और इंटेक के सारे सदस्य साथी मिलकर के यहाँ बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पहले सैनिटाइज करना पड़ता है, बिना मास्क वालों को अंदर नहीं आने देते हैं, पॉलीथीन हटाने के लिए जो पर्यावरण के दुश्मन है कपड़े के थैले वालों को भी पौधे देते हैं। लगभग 28-29 प्रजातियों के पौधे हमारे पास अवेलेबल है और ये आज तीसरा दिन है और ये कार्यक्रम हफ्ता भर चलेगा। हो सकता है जनता की, आम आदमियों की डिमांड अगर और हो तो इस कार्यक्रम को हम एक हफ्ता आगे और बढ़ा सकते हैं। पौधे बाहर की नर्सरियों से हम मंगा रहे हैं, यहाँ पौधे सारे मौजूद हैं, खासकर नीम, छायादार में गुलमोर, करंज, अमरूद, फलदार में सैतूत, बरगद और भी कई प्रजातियों के पौधे, फलदार हमारे पास करुंदा ये भी आए हैं, फूलदार में कनेर है, गुड़ल है, बिच्छू बेल है, सदा सुहागन है, गुलाब है, चंपा है, बेलों में बगन बेल है। औषधीय पौधे भी हमारे पास है, नीम, गिलोई, तुलसी, मीठा नीम, अर्जुन, गूगल, रुद्राक्ष। फलदार में आंवला है, जामुन है, बादाम है, सैतूत है और भी कई अनेक प्रजातियों के पौधे मौजूद है और बहुत अच्छा उत्साह है भीलवाड़ा के लोगों में। लोग, महिलाएँ, बच्चे खूब उत्साह के साथ पौधे ले रहे हैं और लगा रहे हैं। अब सवाल सुरक्षा का है। पौधा लेना बहुत आसान है। पौधा लगाने के लिए 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा गड्ढा करना जरूरी, ये मैं आपके लोकवाणी चैनल के माध्यम से आम जनों को निवेदन करना चाहता हूँ। काफ़ी स्वयंसेवी संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, पौधे खरीद करके ला करके दे रहे हैं। हमने भी पौधे वन विभाग की नर्सरियों से, प्राइवेट नर्सरियों से विक्रय करके ही लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। हमारे सभी साथियों की का इसमें सहयोग है। इंटेक जो हेरिटेज और पुरातत्व महत्व की बचाता है, दूसरी बात खासकर प्रकृति, नेचर, कुदरत को बचाने के लिए काम करता है, नदियाँ, झील, तालाब, जंगल, पशु पक्षी, तो ये पौधे खरीद करके हम लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं और ये क्रम चलता रहेगा। मैं तो लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रकृति को अगर नहीं बचाएंगे तो आप और हम बच नहीं सकते। कोरोना की महामारी के चलते इस बार संगम उद्योग समूह ने पौध वितरण कार्यक्रम
निरस्त रखा, लेकिन हमने चूंकि पौधे बुक करा रखे थे तो हमने सबसे पहले आदमी आता है तो घोले बना दिए दो दो मीटर पर। दूसरी बात, हमारे दो कार्यकर्ता संस्था के इंटेक के बाहर बाकायदा आने वाले का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, कपड़े का थैला साथ नहीं है, मास्क नहीं लगा रखा तो उसको अंदर प्रवेश नहीं है। एक गेट से आना, दूसरे गेट से जाना, दो दो मीटर की डिस्टेंस में हमारी टीम में गुमान सिंह जी पिपाड़ा, सुरेश सुराना, मुकेश जी अजमेरा, जमनालाल जी जोशी, दाताराम जी वर्मा, दिलीप जी गोयल और काफ़ी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। और पौधे बांटने वालों को भी चार महिलाओं की एक जेंट्स की टीम है, ये अद्भुत काम कर रही है और सिस्टम से ही काम हो रहा है। पब्लिक का भी हमें बहुत अधिक सहयोग मिल रहा है, सारे लोग सोशल डिस्टेंस के साथ पौधे ले रहे हैं, कपड़े के थैले में पौधे ले जा करके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम पर्यावरण बचा रहे हैं इसलिए पॉलीथिन का यूज़ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे बाबूलाल जी जाजू जो सुरक्षा के साथ ही यहाँ पर पूरी तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही यहाँ के पौधे वितरण कर रहे हैं, ताकि इनका जो मेन लक्ष्य है कि पेड़ हमारे प्राण है, जीवन की मुस्कान है, इसी बात को सार्थक करते हुए इंटेक्ट इस बार भीलवाड़ा में पौधा वितरण का जो कार्य कर रही है। हम भी आमजन से अपील करना चाहेंगे कि अपने घर में, घर के बाहर गमलों में अधिक से अधिक पौधारोपण करें। लोकवाणी के लिए भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।